सचमुच का अरुणाचल में जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको जल्दी भूल जाता है आदमी। जैसे हमारा ये पीपल्स चीफ मिनिस्टर कली कपूर को भी जल्दी भूला है, उन्होंने भी बोला है अरुणाचल का आदमी जो है जल्दी भूल जाता है। तो इसी तरह ग्यामर पादंग को भी आदमी लोग भूलता है, लेकिन हम नहीं भूला है। और ग्यामर पादंग जैसे आदमी और भी निकलना चाहिए, उसको जब तक यहाँ अरुणाचल रहेगा उसको आदमी याद रहना चाहिए और उसका जो भी इशू उठाया उसको फुलफिल करना चाहिए। ये फुलफिल करने वाला तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट को मैं अनुरोध करता हूँ, गवर्नमेंट फुलफिल करे जो पादंग ने जो इनिशिएटिव किया है, काम शुरू किया है जो APSC फिस्को को लेके, उसको गवर्नमेंट जल्द से जल्द उसको काम कर देने से ठीक है, ये मेरा मानना है। नहीं, सरकार चाहने से एक हफ्ता में भी बना सकता है। सरकार का पास इतना पावर है, उसका पास पैसा है, सब कुछ रिसोर्स है, एवरीथिंग है। आज का दिन में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एज है, टेक्नोलॉजी एज है, या टेक्नोलॉजी एज में बहुत स्पीड काम कर सकता है। अगर आज का दिन में जो काम जल्दी नहीं करता है वो गवर्नमेंट का भूल है। गवर्नमेंट चाहने से, सरकार चाहने से बहुत स्पीड अप कर सकता है। नहीं, हमको ऐसे लगता है क्योंकि ये जो है स्कैंडल में गवर्नमेंट ऊपर से मिलावट है, इसके लिए नहीं कर रहा है ऐसे हमको लगता है। अगर गवर्नमेंट अगर मिलावट नहीं है, गवर्नमेंट उसको ऑनेस्टली काम करना चाहिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वाइल करना चाहिए। ग्यामर पादंग जैसे आदमी मैंने रेयरली मिलता है, अरुणाचल में मिला नहीं है, वो आया है और इतना बड़ा एक स्कैंडल है, वन ऑफ बिग इशू को रेज किया है, तो उसको स्टैच्यू को वाइल्ड अप कर देना चाहिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द, और उसका यादगार में मैंने ताकि ये जो ऑनेस्ट आदमी है बोल के रिमेंबर करने के लिए, ताकि नेक्स्ट कमिंग अप जनरेशन भी बहुत सा ऑनेस्ट निकले ना। अगर इसको स्टैच्यू को देख के, क्योंकि स्टैच्यू को देख के आदमी इंस्पायर होता है, हाँ ये आदमी सही था बोल के, तो ऐसे सही आदमी का स्टैच्यू बनाने के लिए तो किचकिचाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। हम ऐसे मानता है पब्लिक। कल ये हमारा ग्यामर पादंग जी का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए मैं पब्लिक लोग को अपील करता हूँ, सब आइए पार्टिसिपेट कीजिए और याद कीजिए। सब जितना भी आएगा हम ये मानेगा कि ऑनेस्ट लोग आएगा, और मैं भी आऊँगा कल देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।